हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा और आपकी मच अवेटेड जो एक डिमांड थी वो हम लेकर के आ गए हैं। आप जब से मैंने नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स कराए तभी से यू वर डिमांडिंग मैम प्लीज़ कवर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन इंडिया ऑल्सो। एंड सो आज का जो टॉपिक है उसमें हम इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन इंडिया कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट, यस, वाई ओनली इम्पॉर्टेंट? मैंने नेशनल पार्क्स आपको मेजॉरिटी करवा दिए, टाइगर रिजर्व हमने सारे पढ़े, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफकोर्स हमने सारे पढ़े, लेकिन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कवर करेंगे बिकॉज देर आर 5,666 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। अगर आप सारी पढ़ने बैठोगे तो आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ वेस्ट करोगे। सो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क भी करना है। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं वो डेफिनेटली आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्टेड हैं उनके बारे में भी देखेंगे। किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई पिक्यूलियर या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ नाम और स्टेट के अलावा भी, जैसे कि पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसने कि गैंजेटिक डॉल्फिन्स को प्रिजर्व करने के लिए एक एरिया निर्धारित किया, या फिर पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रीच, अगर आप जानते हैं, स्लॉथ बेयर, उसके लिए बनी थी। इस तरह की जो भी पिक्यूलर बातें हैं वो भी आज के वीडियो में हम देखते चलेंगे। सो मेरी कोशिश रहेगी इस टॉपिक में से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो आज इस वीडियो में आप कवर कर सकें, ताकि ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। सो चलिए, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो ऑन इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे मूव करें उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं दो तीन बातें। जब हमने टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया पढ़ा था उसी दिन एक और टाइगर रिजर्व अनाउंस हो गया। हमने 51 टाइगर रिजर्व्स पढ़े थे और 52 यानी कि 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व अनाउंस हो चुका है, और वो कौन सा है? राजस्थान में रामगढ़ विषधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको NTNA यानी कि नेशनल टाइगर NTCA ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने क्या अनाउंस कर दिया है? टाइगर रिजर्व अनाउंस कर दिया है। सो ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के, रामगढ़ विषधारी सैंक्चुरी राजस्थान का, और इसको NTCA ने टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है, और इसी के साथ साथ राजस्थान का फोर्थ टाइगर रिजर्व ये बन जाता है। पहले तीन टाइगर रिजर्व कौन से थे? रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। जब हमने नेशनल पार्क्स पढ़े थे उसके बाद दो और नेशनल पार्क अनाउंस हो चुके हैं, और उसका जिक्र हमने अपने नेशनल पार्क में भी किया था कि प्रपोज्ड हैं, कभी भी हो सकते हैं। सो रेमोरा नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकाई, दोनों असम के अंदर नेशनल पार्क अनाउंस हो चुके हैं। आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ लिया है, बट क्योंकि हम ये टॉपिक डील कर रहे हैं एनिमल या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, तो हम यहीं पर देख लेते हैं। सो दो नेशनल पार्क्स आ चुके हैं, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड रेमोरा नेशनल पार्क, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बना और ये फॉरेस्ट रिजर्व से अपग्रेड होकर के नेशनल पार्क बना, और दोनों ही असम के अंदर हैं। असम में पहले से 5 नेशनल पार्क थे, इन दोनों को मिलाकर के टोटल हो जाते हैं 7 नेशनल पार्क। पहले से 5 कौन से थे जल्दी से देख लो, पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप कर रही हूँ चीज़ों को। काजीरंगा, मानस, डिब्रू सिखोवा, नामेरी एंड राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क थे। अब कौन सा आ गया? दिहिंग पटकाई और रेमोना मिलकर के 7 बन जाते हैं, शाबाश। अब बायोस्फीयर रिजर्व, नो, नया नहीं आया है, अनाउंस नहीं हुआ है, अभी भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लेकिन प्रपोज्ड है एक और बायोस्फीयर रिजर्व अपार्ट फ्रॉम 18 प्रपोज्ड है। ओडिशा ने प्रपोज किया है कि किसको बना देना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व प्रपोज किया है कि महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाए। अभी ओडिशा के अंदर सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 में से एक सिमलीपल और महेंद्रगिरी प्रपोज्ड है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। बना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बना नहीं है। सो देर आर ओनली 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ओके। और अब हम चलते हैं हमारी आज की कहानी पे, विच इज वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन इंडिया। टोटल कितनी है मैंने क्या बताया आपको? 566 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। जो भी कुछ डेटा आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ये सब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, और उनका जो लास्ट अपडेटेड डेटाबेस है वैसे तो दिसंबर 2020 का है, उसके बाद जो भी अपडेशन हुए हैं वो हमने न्यूज़ से ले लिए हैं। सो यू कैन रिलाई थरली एंड कम्प्लीटली ऑन द डेटा जो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे।
ठीक है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब भी आप ऑनलाइन मोड में पढ़ते हो सो डेटा थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क में आ जाता है, बुक्स से भी फॉर दैट मैटर, अगर आप पढ़ते हो तो जो भी अपडेट्स हो गए हैं वो बुक्स में भी नहीं होते हैं, दैट इज आई एम टेलिंग यू द सोर्सेज ऑल्सो सो दैट यू कैन रिलाई ऑन द इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली. नाउ इसका जो PDF है आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुका है, आप जाकर के और वहाँ से ले सकते हैं. और जिन लोगों ने एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रखा है PDF का ऐप के ऊपर, जिसमें अभी तक के पुराने सारे PDF और फ्यूचर के एक साल तक के PDF आपको मिलते हैं, अगर आपने वो सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो ये PDF उसमें भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. ठीक है, और जिनको स्क्रीनशॉट या नोट्स लेने हैं गो अहेड गाइस, ले लीजिए. अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास. तो क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैसे ये डिफरेंट है नेशनल पार्क से या बायोस्फीयर रिजर्व से, जल्दी से ब्रीफ में देख लेते हैं. देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम पे फोकस करिएगा. जब हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें वाइल्ड लाइफ वर्ड आता है. वाइल्ड लाइफ यानी, वाइल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल्स नहीं होता, प्लांट्स भी होता है. तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, एक्वेटिक या लैंड वेजिटेशन. एक्वेटिक या लैंड वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब प्लांट्स हो जाते हैं जो कि किसी भी हैबिटेट को बनाते हैं. ओके, तो इसमें एनिमल स्पीशीज़ भी आ गई, प्लांट स्पीशीज़ भी आ गई, वो पानी की हों चाहे ज़मीन की हों, इन सबको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होगी, एक ऐसा एरिया या हैबिटेट जिसमें हम किसी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हों. तो वाइल्ड लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है उसके नेचुरल हैबिटेट में. ठीक है, उठा करके आर्टिफिशियली जू में रख दो ऐसा नहीं, जहां वो रहता है उसके नॉर्मल नेचुरल हैबिटेट में उस स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, यानी उस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट. राइट, अब देखो ये जो एरियाज होंगे ये कुछ इंपॉर्टेंस रखते हुए होने चाहिए, यानी कि वो स्पीशीज़ कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है या फिर एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कुछ इकोलॉजिकल फॉनल फ्लोरल जियोमॉर्फोलॉजिकल या नेचुरल एलिमेंट्स उनके अंदर ऐसे होने चाहिए कि उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाए. जैसे कि फॉनल मतलब फ्लोरा होता है प्लांट से डील करता हुआ, वेजिटेशन से डील करता हुआ, और फौना होता है एनिमल्स बर्ड्स इन सब चीज़ों से डील करता हुआ. तो या तो वो प्लांट या एनिमल स्पीशीज किसी क्रिटिकल कैटेगरी में आती हुई होनी चाहिए, या फिर वो इकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई मैनग्रोव एरिया हो गया, कोई ब्रैकिश वाटर हो गया जहाँ पे अलग किस्म की स्पीशीज पाई जाती हैं, तो आप उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करोगे. बट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोपगेटिंग एंड डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ एंड इट्स एनवायरमेंट. वो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ जो कि खतरे में है या इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकली या किसी भी एंगल से, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रोपोगेट करना, यानी वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस कर पाए और फर्दर डेवलप हो पाए. ठीक है, और उसका हैबिटेट भी डेवलप्ड रहे धीरे धीरे, ऐसा नहीं हो कि हमने स्पीशीज पे ध्यान दिया पर उसका पर्यावरण सारा कट गया या खत्म हो गया तो वो स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी. मैं ये सब क्यों बढ़ा रही हूँ, बेस बिल्डिंग के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए. कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएँ तो आप कभी भी गलती ना करो. ठीक है, डेटा याद करना तो फिर कई बार चूक हो जाती है, पर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो कई बार आप आंसर निकाल लेते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑल्सो. अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तो भी बहुत जरूरी है, इंटरव्यू फेस करोगे तो भी बहुत जरूरी है, और राइटिंग में भी एग्जाम्पल MCQs में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन लेते हुए, यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे नेशनल पार्क से तो नेशनल पार्क को हम कैटेगरी टू ऑफ यू नो प्रोटेक्शन की कैटेगरी टू में काउंट करते हैं, यानी हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ कंपेरेटिवली लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन यहाँ भी होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1972 की, लेकिन यहाँ पे जो IUCN कैटेगरी 4 का प्रोटेक्शन है. कौन सी कैटेगरी है, प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी 4, राइट. और IUCN के फुल फॉर्म पहले भी हमने देख रखे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना. कई बार हम कहाँ तक रुक जाते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पॉपुलरली IUCN का ये फुल फॉर्म कहा जाता है, लेकिन आप ऑफिशियल फुल फॉर्म पे जाओगे तो नेचर के आगे एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी लिखा हुआ होता है. तो अभी तक की बात समझ में आ गई कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है, किसी भी एक स्पीशीज को, किसी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कंजर्व एंड प्रोपोगेट करने के लिए जो काम किए जाते हैं, जो एरिया निर्धारित किया जाता है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है. ये कंपेरेटिवली लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन कंपेरिजन टू नेशनल पार्क्स या दूसरे बाकी जो एफर्ट्स डाले जाएंगे कंजर्वेशन के अंदर वाइल्ड लाइफ के. सो ये कैटेगरी 4 का प्रोटेक्शन देता है. अब चलो यहीं पर पहला क्वेश्चन दे देती हूँ आपके लिए, बताइए मुझे
इंडिया की सबसे बड़ी एरिया वाइज, हाँ इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, जल्दी से बताओ, चलो नाम बताओ एंड स्टेट बताओ। अब हम बढ़ते हैं कि कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो देख लेते हैं, और जो एज पर द एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो डेफिनेशन है फटाफट से वो समझ लेते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, देर आर 566 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कई सौ सेंचुरीज प्रपोज्ड हैं, ठीक है। सो देर आर सो मेनी ऑफ देम, और हम एरिया की बात करें तो 122,420 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कवर किए हुए है, जो कि भारत का 3.72% ज्योग्राफिकल एरिया हो जाता है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया डेटा, तो नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस दिसंबर 2020 से जितना भी आप डेटा देखोगे यहीं से लिया गया है, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो गवर्नमेंट की। एक दो महीने पहले ही अपडेट हुई है, उससे पहले तो 2018 का डेटा ही शो हो रहा था। चलिए, सो अब अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसके चैप्टर 4 में सारी डेफिनेशंस मेंशन हो रखी हैं, नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं इन्होंने, ठीक है। तो अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ भी आप WLS लिखा देखोगे PDF में भी, आज की वीडियो में भी, तो समझ जाइएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होती है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल गजेट में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकती है, अपना इंटेंट बता सकती है, डिक्लेयर इट्स इंटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूट एनी एरिया अदर देन, यहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदर देन एरिया कंप्राइज्ड विद इन एनी रिजर्व फॉरेस्ट और टेरिटोरियल वाटर्स, यानी कि जो राज्य सरकार है वो अपना इंटेंशन जाहिर कर सकती है, नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि हम इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना चाहते हैं, लेकिन बशर्ते के एक्सेप्ट विच एरियाज, अगर वो एरिया आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में या टेरिटोरियल वाटर्स में, तो राज्य सरकार अपनी तरफ से डायरेक्टली नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती, उसको फिर सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। सो अगर ये दोनों केसेस नहीं हैं तो नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है कि हम सेंचुरी बनाना चाह रहे हैं, इफ़ इट कंसिडर्स दैट सच एरिया इज ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल और जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस, अगर उनको लगता है कि ये जो एरिया है ये इस तरह की कोई भी सिग्निफिकेंस लेते हुए, तो आप बिल्कुल अनाउंस कर सकते हो अपनी इंटेंशन, और फिर केंद्र सरकार की मोहर वगैरह लग के सारा काम होता है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोपोगेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ एंड इट्स एनवायरमेंट। तो वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी, पहले हमने टुकड़ों में पढ़ी है, अब हमने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या एक लीगल स्टेटमेंट या डेफिनेशन जो है वाइल्ड लाइफ की वो देख लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ओके, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से डिफरेंट कैसे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व से डिफरेंट कैसे। तो नेशनल पार्क क्या था, नेशनल पार्क में हम एक ऑर्गेनिज्म, उसका पूरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ या स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना नहीं होता, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है नेशनल पार्क में वो उस पूरे साइट को प्रोटेक्ट करना होता है। ज़रूरी नहीं है किसी जिंदा स्पीशीज़ के चलते वो साइट इंपॉर्टेंट हो, वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती हुई भी हो सकती है, वो कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती हुई भी हो सकती है, और ऑफकोर्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की भी हो सकती है, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर दो चीज़ें हैं जो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा डिफरेंट बनाती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलरली स्पीशीज़ को फोकस करती है, उनको प्रोटेक्ट करने पे फोकस करती है, जबकि नेशनल पार्क उस पूरे ही एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने पे फोकस करता है, न सिर्फ वहाँ की स्पीशीज़ या वाइल्ड लाइफ, पर वहाँ की कल्चरल सिग्निफिकेंस, वहाँ की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। पार्क है ये, नेशनल पार्क है। पार्क क्या होता है, पार्क बेसिकली आपको नॉलेज भी देते हैं, पार्क आपको अम्यूजमेंट भी देते हैं। तो जैसे फॉसिल पार्क्स होते हैं, फॉसिल पार्क में कोई जिंदा स्पीशीज़ नहीं है, लेकिन उस एरिया में बहुत सारे फॉसिल्स पाए गए थे, इसलिए उसको नेशनल पार्क बना दिया जाता है, राइट। तो नेशनल पार्क इकोलॉजिकल, कल्चरल, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस लिए हुए होते हैं, और उनका मेन पर्पज़ होता है कि ये जो जिस तरह से ये एरिया अभी है, ये फ्यूचर में भी इसी तरह से रहे, ख़राब ना हो, ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी ये सारी नॉलेज अपने तक ले जा सकें। ये मेन पर्पज़ होता है नेशनल पार्क का। ऑफकोर्स प्रोटेक्शन तो होता ही है, एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ होंगी तो उनको प्रोटेक्ट करेगा ही, लेकिन साथ साथ ये पर्पज़ भी हो सकते हैं, गॉट इट। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन पर्पज़ होता है प्रोटेक्शन, प्रोपोगेशन करवाना किसी भी स्पीशीज़ का। दूसरी चीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो कंपैरेटिवली कम होता है, लेवल 4 का होता है, नेशनल पार्क में हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, लेवल 2 का होता है। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ नहीं होते, परमिशन होती है मूवमेंट की, लेकिन नेशनल पार्क में इफ़ यू रिमेंबर
बफर एरिया ऐसा है जहां थोड़ी बहुत आप इजी मूवमेंट कर सकते हो, बाकी सब में आपको विथ परमिशन जाना होता है, और जो कोर एरियाज होते हैं वहां तो परमिशन होती ही नहीं है. ओके, सो प्रोटेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है. सो लेवल 2 या डिग्री 2 ऑफ प्रोटेक्शन होता है नेशनल पार्क्स के केस में. ओके, सो ह्यूमन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होती है. बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्जर एरियाज. बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में बहुत से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व आए समा जाते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व पूरे बायोस्फीयर का बड़े लेवल पे, मेगा लेवल पे बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सबको कैसे बैलेंस फॉर्म में रखा जाए साथ में, इस पे फोकस करता है. ठीक है, तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की हवा, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ रिसोर्सेज में ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स सब आ जाएंगे. ओके, सो बायोस्फीयर रिजर्व लार्जर एरियाज को प्रोटेक्ट करता है नेचुरल हैबिटेट के, और जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब आ सकते हैं. मैन एंड नेचर के बीच का रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, उस पर भी वर्क करता है. टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में है. ठीक है, सो ब्रीफ में मैंने आपको ये सारा समझा दिया. अब हम आ जाते हैं अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे, और जो मैंने पहला सवाल पूछा था आपसे, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन टर्म्स ऑफ एरिया, उसका आंसर भी अभी आपको मिल जाएगा. तो सबसे पहले वही देख लेते हैं. सो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया वाइज अगर कोई है तो वो है कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आप में से कुछ लोग हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग जरूरी है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि मैम वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी है, हमने कहीं पढ़ा है, पर वो गलत है. ये जो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी गुजरात में है. ओके, मैं हाथों हाथ ही आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर रही हूँ, वरना आप कॉमेंट सेक्शन में दोगे और हो सकता है आंसर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, वैसे वी आर वेरी प्रॉम्प्ट इन आंसरिंग. ओके, और जो मैंने कहा वाइल्ड एस, आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा हो सकता है कि वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लार्जेस्ट, लेकिन ये पढ़ती है लिटिल रन में, लिटिल रन ऑफ कच्छ. ओके, और ये पढ़ती है ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में, और जो ज़्यादा एरिया है वो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है. दिस इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया वाइज. बिल्कुल 100% ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, दिस इज नॉट द लार्जेस्ट. ओके, और इसका एरिया कितना आता है कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? 7,506.22 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है. चलिए अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. तो स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे. एक है रो आइलैंड, रो आइलैंड पड़ती है अंडमान एंड निकोबार में, और दूसरी है डॉक्टर सलीम अली, जिसको पिट्टी बर्ड सेंचुरी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, और ये है लक्षद्वीप में. ठीक है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपके साइड से देखेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और इधर लक्षद्वीप आइलैंड्स. सो लक्षद्वीप में पड़ती है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी. डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कई जगह पे है, और उसके साथ साथ उनको दूसरे नाम भी दिए गए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो. तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो लक्षद्वीप में है उसको पिट्टी बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, और पक्षी पिट्टी भी बोलते हैं इसको. हाँ, पक्षी पिट्टी. सो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, 0.01 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है. एक और है रोव आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पड़ती है. रोव आइलैंड भी 0.01 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है. तो ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं. गॉट इट? ओके, जैसे डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में भी है ना, और यहाँ पे भी है. सो एग्जाम में पिट्टी पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप मार्क करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे अभी. फिर देख लीजिए ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, 1936 में अनाउंस हो गई थी, या फिर हम बोलें कि नोटिफिकेशन आ गया था कि ये पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया की. और कौन सी है? वेद से आप याद रख सकते हैं, वेदनथंगल लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, हम बर्ड सेंचुरी बोल देते हैं, असल नाम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है किसी भी बर्ड सेंचुरी का भी. सो वेदनथंगल लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेद से याद रखिएगा. वेद कितने पुराने हैं ना, ऐसी सबसे पुरानी वेदनथंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है. चलो अगला सवाल आपके लिए. सवाल मैंने आंसर यहीं लिख रखा है, तमिलनाडु. ओके, तो चलिए ये हो गया आपका काम, यहाँ पे डन, मूव करते हैं आगे. अब हमें क्या करना है? देखिए, अब हम स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज नहीं चलेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पिक की और उनको फिर हमने स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज असेंबल कर दिया है. ज़रूरी नहीं है हर स्टेट कवर हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट हो, ये चीज़ आप समझिएगा. ठीक है, 566 नहीं पढ़ेंगे हम, इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं या जो
हमें लगा कि थोड़ी भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोज विल बी कवरिंग। तो सबसे पहले चलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहाँ की दो तीन जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो देखते चलते हैं। कौन सी स्पीशीज जहाँ पे भी लगेगा कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड स्पीशीज को वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाउस करती है यानी रखती है या वहाँ पे स्पीशीज पाई जाती हैं, तो वो हम कवर करेंगे जो बहुत पिक्यूलियर होंगी। या जैसे अब कुछ एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड है पर कई जगह मिलते हैं, फिर भी कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स जो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और कुछ ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेंगे या एक दो में ही मिलेंगे, वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड से। पहला आ जाता है बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बैरन आइलैंड आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको फिजिकल फीचर्स करवाए थे, है ना। बैरन आइलैंड कहाँ पड़ता है? अंडमान में पड़ता है। सवाल किस तरह से आएंगे ये समझ लो तो आपको इन्फॉर्मेशन दिमाग में डालना इजी हो जाएगा। या तो आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेट पूछ लिया जाएगा, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी है, या फिर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीशीज पाई जाती है जिसके लिए वो बहुत फेमस है तो वो पूछा जा सकता है, या उसकी कोई और विशिष्ट बात होगी तो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसी एंगल से आप ये टॉपिक तैयार करोगे। सो बैरन आइलैंड हो गया, नारकोंडम आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रोव आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो बैरन, नारकोंडम एंड रोव आइलैंड्स। रोव आइलैंड्स हमने देखा था ये सबसे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो सीधे हम याद रखेंगे। बैरन आइलैंड हम पहले पढ़ चुके हैं अंडमान निकोबार में, तो ये आप देखेंगे। और नारकोंडम आइलैंड बचता है, और नारकोंडम आइलैंड में एक स्पीशीज मिलती है हॉर्नबिल की, जिसको कहा जाता है नारकोंडम हॉर्नबिल्स। एंडेंजर्ड हैं ये दीज बर्ड्स, नारकोंडम हॉर्नबिल्स एंडेंजर्ड स्पीसीज, और ये यहाँ पे अंडमान के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ, और यहाँ पे हमने पिट्टी बर्ड सेंचुरी यानी कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पढ़ी थी, तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जिसको पिट्टी बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है? लक्षद्वीप में पड़ती है। कौन थे डॉक्टर सलीम अली? ही वॉज द फेमस, या जो हम आम भाषा में बोलते हैं ना, वर्ल्ड फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट ये होते हैं जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। सो डॉक्टर सलीम अली वॉज दैट। चलिए ये हो गया दो, उसके बाद हम आ जाते हैं लद्दाख पे। हाँ, ये आइलैंड्स हमने कर लिए, अब ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। लद्दाख में एक पड़ता है नुब्रा श्योक, है ना, नुब्रा श्योक या काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप बोलेंगे मैम नेशनल पार्क में भी पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जा सकता है नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में, एलिफेंट रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व में। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप जितनी भी पढ़ोगे इनमें से काफ़ी सारी ऐसी होंगी जो नेशनल पार्क भी हैं, जो टाइगर रिजर्व भी हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व भी होंगी, कुछ रामसर साइट्स भी होंगी, ओके। सो जो ये, और ये सारे टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, हम नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं, टाइगर रिजर्व पढ़ चुके हैं, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ चुके हैं, रामसर साइट्स पढ़ चुके हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी पढ़ चुके हैं, कुछ एक उसमें भी शुमार की गई हैं। सो आपको सारी डॉट्स मिलाते चलना है, ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होगा। मैं इस वीडियो में बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि अच्छा ये नेशनल पार्क भी था, ये टाइगर रिजर्व भी था, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे जो बच्चे ये टॉपिक से शुरुआत कर रहे होंगे पढ़ाई की। बट देन जिन्होंने पहले टॉपिक्स पढ़ लिए हैं या आपने अपने लेवल पे तैयारी की हो तो कनेक्ट द डॉट्स, ओके। चलिए, सो काराकोरम नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए काराकोरम रेंजेस जो पड़ती हैं सो लद्दाख के अंदर, सो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे आप याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करो, हिमाचल में पड़ता है पोंग डैम, और यहाँ आता है आपका दूसरा सवाल। चलो डैम्स पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, पोंग डैम कौन सी रिवर पे बना है जल्दी से आप मुझे बताएंगे, खट 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 कमेंट सेक्शन भर दीजिए आंसर करके, सो दैट आई कैन सी कि आपको पुराना कुछ पढ़ाया हुआ याद है नहीं है, इवन आई डू नॉट रिमेम्बर मैंने कब पढ़ाया था। सो पोंग डैम कौन सी रिवर पे है? हिमाचल के अंदर है, राइट। सो पोंग डैम इज़ वेरी फेमस इन हिमाचल, आप उससे एसोसिएट करेंगे तो इससे आपकी दो तीन चीज़ें तैयार हो जाएंगी, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल में याद हो जाएगा, पोंग डैम हिमाचल में याद हो जाएगा, और जिस नदी पे ये बना है मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे, वो भी हिमाचल में, वो भी आपको याद होगा। फिर हम चलते हैं हरियाणा पे, हरियाणा की तरफ चलें। हरियाणा में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पढ़नी है, छिलछिला लेक एंड कलेसर, छिलछिला एंड कलेसर। तो देखो हरियाणा के लिए हरा इज़ हरियाणा में हरा आ रहा है, और कलेसर में काला रंग आ रहे हैं ना, और हरे रंग का यूजली छिलका होता है किसी भी चीज़ का, जैसे भुट्टा ले लो, भुट्टे का छिलका हरा होता है, लौकी का छिलका हरा होता है, तो हम उसको छीलते हैं, हरे छिलके को हम छीलते हैं, तो इससे आप इन तीनों को एसोसिएट कर सकते हो, हरा छिलका
सो छिलछिला लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, और हरा और काला तो कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं राजस्थान पे। और राजस्थान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हाल ही में टाइगर रिजर्व अनाउंस हुई है, कौन सी है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शाबाश। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। उसके अलावा बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है जल्दी से देख लेते हैं। नेशनल चंबल सेंचुरी या नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी इसको कहते हैं, ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है, ये पड़ती है इस एरिया में कहीं, और ये 3 states में शेयर होती है, ट्राई स्टेट्स बोल दीजिए या ट्राई रीजन में आती है, राजस्थान यूपी और एमपी में, राजस्थान यूपी एमपी। और चंबल नाम से है ये, चंबल नदी से जुड़ी हुई है, चंबल नदी के इर्द गिर्द है। तो चंबल घड़ियाल या नेशनल चंबल घड़ियाल या नेशनल चंबल सेंचुरी राजस्थान में भी आपको ध्यान रखनी है, एमपी और यूपी में। ठीक है, यहाँ से चंबल नदी हमने पढ़ी थी। फिर है बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहरगढ़ और सरिस्का। अब मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बार बार नहीं बोल रही हूँ। सो नेशनल चंबल हो गया, बस्सी, माउंट आबू, नाहरगढ़, सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी आपने पढ़ा था, हाँ। सो सरिस्का, अच्छा सरिस्का के बारे में खास बात बताइए, ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व था जहाँ बाहर से ला करके टाइगर्स को सबसे पहली बार सेटल किया गया था सक्सेसफुली, है ना। तो वो भी आप बात इसमें ध्यान रखेंगे। सो सरिस्का हो गया। अच्छा, मैंने आपको राजस्थान में याद करवाया था कि भाई राजस्थान के लोग रण में सर दे देंगे पर झुकेंगे नहीं टाइप्स ना, तो रणथंबोर याद कराया था, सरिस्का याद कराया था इस तरह से। अब माउंट आबू अगर आपने सुना हो, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, यस राजस्थान इज़ अ कंपेरेटिवली एरिड रीजन है, रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी एक हिल स्टेशन है, उसको कहते हैं माउंट आबू, और वहाँ माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। फिर बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नाहरगढ़, बहुत सारे गढ़ हैं यहाँ पे, है ना, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, क्योंकि किले, रजवाड़े, राजा बहुत हुए, तो नाहरगढ़ आप याद रखेंगे और सरिस्का आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो गए। फिर आप आ जाइए पंजाब पे आ जाइए, तो पंजाब के अंदर हरीके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ याद आ रहा है, रामसर साइट्स में कुछ पढ़ा था, हरीके लेक वेटलैंड है क्या, चलो है, बिल्कुल है। सो हरीके लेक पंजाब में, हरीके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये रामसर साइट भी है, तो बस याद रखेंगे। पंजाब में खेती बहुत होती है, हरियाणा मत मार्क कर देना, है ना, हरियाणा मत मार्क कर देना कि मैम इसमें भी हरा हरा दिख रहा है, हरियाणा में भी हरा था तो मार्क कर दो, नहीं, हरा और काले का कॉम्बिनेशन था, तो हरियाणा में कालेसर है और हरीके पंजाब के अंदर है। ओके, चलिए अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने कही थी, अगर कुछ पिक्यूलर बात होगी तो वो हम पढ़ते चलेंगे, तो जल्दी से देख लेते हैं। ये है गैंजेटिक डॉल्फिन, ये जो हमारा घड़ियाल था उसके पिक्सल्स फट गए हैं, और ये है रेड नेक्ड या रेड रूफ क्राउंड रूफ टर्टल, एंडेंजर्ड है। नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया चंबल नदी पे है, ट्राई पॉइंट पे है, राजस्थान एमपी और यूपी के, और किसके लिए जानी जाती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल। ये जो घड़ियाल है, क्रोकोडाइल का चौड़ा मुंह होता है, घड़ियाल की एक लंबी सी स्नाउट होती है ना, सो घड़ियाल के लिए जाना जाता है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, रेड क्राउंड रूफ टर्टल के लिए और एंडेंजर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन्स के लिए, जो कि हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। फिर माउंट आबू सेंचुरी की बात करें तो राजस्थान का जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, वो इसी सेंचुरी में पड़ता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ डाल दिया है, 1722 meters ऊंचा गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक इन राजस्थान। फिर हम सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो पहला ऐसा रिजर्व है जहाँ पे पूरी दुनिया में, जहाँ पे रीलोकेट करके टाइगर्स को सक्सेसफुली सेटल किया गया था, बसाया गया था, वहाँ पे ओरिजिनली नहीं थे पर रीलोकेट किया गया था। सो फिर हम आ जाते हैं गुजरात पे, ठीक है, राजस्थान हो गया, मूविंग ओवर टू गुजरात। तो गुजरात में जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इन एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी थी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी गुड। दूसरी हमने उसी के साथ पढ़ ली थी वाइल्ड एस, शाबाश। अब बाकी देख लेते हैं, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, फिर गिर लायंस, गिर आपने सुना होगा, है ना, गुजरात में बचपन से हम स्कूल बुक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। सो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, और जो गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। इसका नाम नहीं है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नो, पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है उसके लिए फेमस है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गोडावन, राइट, गोडावन। देन वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये
इंडियन वाइल्ड एसेस, जंगली गधे जिसको खुर बोलते हैं या घुड़खुर बोलते हैं, उसके लिए जानी जाती है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूर्णा, पोरबंदर और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसमें देख लो, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। गिर नहीं भी पता तो देखो, एशियाटिक लाइन्स के लिए बहुत जानी जाती है। वाइल्ड लाइफ हमने देख ही लिया। फिर पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात में इतना तो पता है, तो पोरबंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी। कच्छ, कच्छ भी हो जाएगी। याद क्या करनी है, ये तीन चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो देखो, गुजरात के अंदर गरबा खेलते हैं, गरबा खेलेंगे तो ढोल भी बजेंगे, गाना भी गाया जाएगा, तो गागा, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ढोल से ठोल हो जाएगी। और पूर्णा, पूर्णा से ठीक है, पूर्णा, पूर्णा ऐसे याद रख लो, नहीं तो कर लो कि भाई गरबा पूर्ण होगा तभी प्रसाद मिलेगा भाई। अब इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें जो हैं जल्दी से देख लेते हैं। गिर एशियाटिक लाइन्स के लिए जानी जाती है, वाइल्ड एस इंडियन वाइल्ड एस के लिए जानी जाती है। ये री फोटोज, ब्यूटिफुल पिक्चर्स, मतलब गुजरात में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो स्पीशीज़ हैं वो रंग बिरंगी, देखो दिस इज़ ब्यूटिफुल। फ्लेमिंगो सिटी के फ्लेमिंगोज हैं ये, अभी बताती हूँ, पहले यहाँ जाओ। सो एशियाटिक लायंस के लिए गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है इंडियन वाइल्ड एस, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। और ये कहाँ मिलता है, वाइल्ड एस, वाइल्ड एस सेंचुरी में, जो कि लेसर रन या लिटिल रन जिसको कहते हैं वहाँ होता है। और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है इक्विस हिमियोनस खुर। सो ये इसका जीनस है, ये स्पीशीज़ है, ये सब स्पीशीज़ नेम है, और इसको घुड़खुर या खुर भी कहा जाता है। फिर कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो लार्जेस्ट है, वहीं पे एक ऐसी साइट है जहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में फ्लेमिंगोज इकट्ठा होते हैं अपनी ब्रीडिंग और नेस्टिंग के लिए, और वो रेगुलर साइट है, यानी रेगुलरली वहाँ पे फ्लेमिंगोज ब्रीडिंग और नेस्टिंग करते हैं। और इस साइट की वजह से इस जगह का नाम दे दिया गया है फ्लेमिंगो सिटी। तो पूरे एरिया में जब पानी भरता है इधर, तो इस फ्लेमिंगोज कम इन ह्यूज नंबर्स। सो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कवर्स फ्लेमिंगो सिटी, एक साइट जहाँ थाउजेंड्स ऑफ फ्लेमिंगोज ब्रीड, लाखों तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, थाउजेंड्स ऑफ फ्लेमिंगोज ब्रीड। फिर हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पे, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सो एमपी के अंदर एक तो अभी हमने जब राजस्थान पढ़ा था तो हमने पढ़ा चंबल, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। सो एक हो जाएगी चंबल, दूसरी है बोरी, गांधी सागर, नौरादेही, ओरछा और सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देख लीजिए जल्दी से एक एक करके, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हो ही गई, बोरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये जो गांधी सागर बांध है या डैम है, ये चंबल नदी पर ही है ना, तो गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश के अंदर है, उससे आप ये सेंचुरी याद कर लोगे कि एमपी में पड़ती है। नौरादेही जो है ये सबसे बड़ी सेंचुरी है एमपी की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एरिया वाइज अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कौन सी है, नौरादेही, नौरादेही, तो नौरादेही बस याद कर लो, नौरा जोन से कर लो अगर चाहो तो। ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ओरछा आई थिंक दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास, दिसंबर 2020 के आसपास या जनवरी फरवरी 2020 के आसपास न्यूज़ में बहुत आया था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ में शुमार हो गया है ओरछा और ग्वालियर फोर्ट। हाँ, अब कई बच्चों ने इसको गलत इंटरप्रेट करके ये सुन लिया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड हो गया है। नो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया की 38 साइट्स ही हैं आज भी, 40 नहीं हुई हैं। ये जो ग्वालियर फोर्ट और ओरछा है ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ के लिए चयन किया गया है इसका, यानी कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने दो ऐसे शहरों को पिक किया है या ऐसी दो साइट्स को पिक किया है, एक है ओरछा और दूसरा है ग्वालियर फोर्ट, कि यूनेस्को बहुत सी फंडिंग करता है जो भी कल्चरल हेरिटेज जैसी कुछ साइट्स होंगी जो कि बहुत कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती है, उनको डेवलप कराने के लिए फंडिंग वगैरह मिलती है। तो ये दोनों जो साइट्स हैं ये उसके लिए शामिल की गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ की तरह डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर नॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो ओरछा, एनीवेज ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप मध्य प्रदेश से एसोसिएट कर लोगे। सोन घड़ियाल, सोन या सन नदी है ना, सोन कई जगह इसको एस ओ एन ई भी लिखा जाता है। सोन नदी कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है, गंगा नदी की सदन ट्रिब्यूटरी है ना, तो सोन नदी मध्य प्रदेश, तो सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मध्य प्रदेश हो गई। तो ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये और ये हो गया। बौरी बचा, बौरी तो सीधे कर लो, ठीक है। मौड़ी बोलते हैं एमपी में, मौड़ी, मौड़ा मौड़ी लड़के और लड़की को बोलते हैं ना प्यार से, जैसे छोरा छोरी बोलते हैं राजस्थान में, सो मौड़ा मौड़ी चलता है, तो मौड़ी से बौड़ी कर लो, बौरी, बौरी कर लो। चलो आ जाओ फिर महाराष्ट्र पे आ जाते हैं, दिस इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जल्दी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोर, बोर इज महाराष्ट्र, ठीक है। सो बोर
या बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागजीरा एंड नायगांव पिकॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, कई बार ये नाम नहीं भी दिए जाते, सीधे नायगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कौन सी स्पीशीज़ के लिए है, तो पिकॉक याद रखना होता है। ठीक है, वैसे बहुत रेयरली होता है ऐसा, बट यू नेवर नो, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर एट टाइम्स। सो बोर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नागजीरा एंड नायगांव। तो देखो, गोरेगांव नायगांव से तो आप नायगांव याद रख लोगे, नायगांव और नागजीरा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो देखो, पीकॉक और नाग, इनकी फाइट अक्सर देखने को मिल जाती है। पीकॉक और स्नेक या नाग, ये फाइट कर सकते हैं, है ना, दोनों इक्वल टक्कर देते हैं एक दूसरे को, और आराम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उनको देख रहा है, बोर नहीं हो रहा। ये एक सीन आप दिमाग में दिखा सकते हो, महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में मूवी चलती है ना, बॉलीवुड में मूवी, इसी तरह से आप ये मूवी दिखा सकते हो। एक तरफ है पीकॉक, तो नाग, एक तरफ है पीकॉक, एक तरफ नायगांव वाला, और एक नागजीरा है, दोनों की फाइट चल रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो आराम से बैठ के देख रहा है, बोर नहीं हो रहा। सो बोर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागजीरा एंड नायगांव पिकॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देख लीजिए, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हाउ ब्यूटिफुल इट इज, दिस इज गोडावन। जानना भी चाहिए, है ना, देखते चलो, थोड़े बहुत पक्षियों का, एनिमल्स का आइडिया भी होता जाएगा। सो नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट इन मध्य प्रदेश, जो मैंने बताया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, ठीक है, और महाराष्ट्र में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है। आडियोटिस नाइग्रीसेप्स इसका जूलॉजिकल नेम है। फिर हम आ जाते हैं यूपी पे, उत्तर प्रदेश पे। सो उत्तर प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, कुछ महान व्यक्तियों के नाम पे हैं, जैसे बीआर अंबेडकर साहब के नाम पे है, फिर चंद्रशेखर आज़ाद साहब के नाम पे है। तो ये आप ध्यान देख सकते हो कि महान व्यक्तियां ना उत्तर देती हैं, यानी कुछ ना कुछ समस्या का उत्तर देती हैं, नहीं तो जो परेशान कर रहा होता है उसको उत्तर देती हैं। तो उत्तर प्रदेश में दो महान व्यक्तियों के नाम पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको नवाबगंज बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों आप यूपी, उत्तर से उत्तर प्रदेश से आप ये दोनों याद रखेंगे। फिर पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल, ठीक है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व याद है, जिसको TX2 अवार्ड मिला था, टाइगर पॉपुलेशन जल्दी डबल कर लेने के लिए, ये वही पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, और इसको फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड मिला था TX2 फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन इन दी स्टिपुलेटेड टाइम। ऑलराइट, चलिए फिर हम आते हैं बिहार और झारखंड पे। तो बिहार और झारखंड, अब इसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में स्ट्रेच होती है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बिहार में गौतम बुद्ध से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड बिल्कुल केंद्र है, क्या है वो, बोध गया, है ना। तो आप गौतम बुद्ध इसलिए बिहार से याद रखोगे, और बिहार और झारखंड दोनों में कॉमन है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर बिहार में देख लीजिए, बरेला झील सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बरेला झील ज़्यादा फेमस नाम है, लेकिन इसका पूरा नाम है बरेला झील सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आता है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने सोचा था सवाल पूछूंगी आपसे, पर मैं सवाल पूछना ही रह गया मेरा, एनीवेज नो प्रॉब्लम, आप मुझे बताइए। चलिए, यहीं पे आपसे एक सवाल ज़रूर मैं पूछूंगी, यू टेल मी के सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इंडिया का कौन सा है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून कौन सा है, जिसमें मीठा और खारा पानी की मिक्सिंग होती है, उसको हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो चिलिका लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया का, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है आप वो बताएंगे, क्योंकि उसी एरिया में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, चलो ये बताओ मुझे, तब तक हम आ जाते हैं वापस, सवाल नहीं पूछूंगी तो आपका पता नहीं चलेगा मुझे कि कितना अटेंटिव होकर बैठे हो। सो बरेला झील हो गया, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जब हमने नेशनल पार्क पढ़े थे मैंने कहा था ये एक ही नेशनल पार्क है बिहार के अंदर वाल्मीकि जी का, तो वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेंगे। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है विक्रमशिला, ये पहली ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जो कि गैंजेटिक डॉल्फिन्स के कंजर्वेशन के लिए, सिर्फ इनके कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी। तो पहली, अगर आपसे पूछ लिया जाए, पाइनियर या फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू कंजर्व गंगा डॉल्फिन्स या गैंजेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया, तो आंसर क्या आएगा, विक्रमशिला। कहाँ पर है, बिहार के अंदर है, इसलिए आप इसको सीधे सीधे याद रखेंगे, विक्रमशिला। शिला होती है ना, चट्टान होती है ना, तो चट्टान की तरह पहला कदम आया था कि हम गंगा के डॉल्फिन्स को बचाएंगे। ओके, और गैंजेटिक डॉल्फिन्स यूजुअली आपको इसी एरिया में देखने को मिलती हैं,
है ना, गंगा जहाँ से जाएगी और जहाँ ज़्यादा बहाव होता है उसी एरिया में गंगा एंजियोटिक डॉल्फिन होती है, तो आपको इस एरिया में ही देखने को मिलती है। फिर गौतम बुद्ध हो गया, फिर आ जाइए झारखंड पे फटाफट से, गौतम बुद्ध तो हो ही गया, हजारीबाग, पलामू और पालकोट, हजारीबाग, पलामू, पालकोट और गौतम बुद्ध तो याद आपने कर ही लिया। तो अब देखो झारखंड के लिए झाड़ी हम इमेज लेते हैं क्योंकि नाम में झाड़ आता है ना, हमारा कोई और मीनिंग नहीं है, तो झाड़ आता है, तो हजारीबाग, बाग के अंदर भी झाड़ होते हैं, तो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड से एसोसिएट कर दीजिए। अब झाड़ में या झाड़ियों में बहुत से जीव जंतु पलते हैं यानी रहते हैं, तो पल से पलामू और पालकोट, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप झारखंड से एसोसिएट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल और ओडिशा की तरफ। वेस्ट बंगाल में ऐसे तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बंगाली बाबू का बक्सा याद है, नेशनल पार्क में किया था, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंगाली बाबू बक्सा लेके चलते हैं, है ना। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, हर बंगाली रसगुल्ला और पान नहीं खाता, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, अब वो इमेजेस जो बनाई गई हैं पिक्चरों में उसी को हम ले लेते हैं हमारा मेंटल इमेज बनाने के लिए कि बंगाली बाबू के पास एक बक्सा है और उसी से हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं ओडिशा की तरफ। ओडिशा, और ओडिशा में जो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो भीतरकनिका, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें से काफ़ी सारी आपने नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में ऑलरेडी पढ़ ली होंगी, है ना। गहीरमाथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गहीरमाथा, चिलिका लेक, चिलिका लेक, चलो फिर नंदन कानन, अगेन एक स्पीशीज के लिए बहुत फेमस है, सवाल बनता है कई बार, सतकोशिया और सिमिलीपल, सिमिलीपल जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं। सो भीतरकनिका, गहीरमाथा, ये किस किस के लिए फेमस है मैं पहले से याद कर लो फिर देखते हैं। गहीरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एकमात्र ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मरीन वाटर यानी समुद्री पानी वाला जो वाटर होता है उसकी आई थिंक लार्जेस्ट है या एकमात्र है, आई थिंक एकमात्र है ना। सो गहीरमाथा एंड इट इज़ नॉट नोन फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स की नेस्टिंग ग्राउंड की तरह जानी जाती है। बहुत सारे ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं, अंडे देते हैं, उनमें से छोटे छोटे बच्चे निकल के वापस समुद्र में चले जाते हैं, तो मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर कोई है तो वो ये है ना। चलिए पानी वाला एरिया भी इसमें इंक्लूड होता है समुद्र का। फिर चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको नालबन बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, तो चिलिका इज दी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, आपको पता है, और उसी चिलिका के बीच में एक टापू एरिया है जो जब पानी थोड़ा कम होता है तो वो टापू दिखता है और जब पानी आ जाता है तो छुप जाता है, और वहीं पे लालबन बर्ड सेंचुरी भी है, उसी के अंदर है, चिलिका का ही पार्ट है ये। फिर नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने वाइट टाइगर्स के लिए जानी जाती है, यस, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सतकोशिया और सिमिलीपल। तो इसमें मैं अलग से कुछ याद कराऊंगी नहीं बिकॉज ये भीतरकनिका पढ़ चुके हैं, गहीरमाथा मैंने आपको बता दिया, बहुत ध्यान रखना है, गहीरमाथा ऑलिव रिडली टर्टल्स की नेस्टिंग साइट के तौर पे है, चिलिका आपको पता है ओडिशा, नंदनकनन वाइट टाइगर से आप याद रखोगे, सतकोशिया, सतकोशिया अभी हम टाइगर रिजर्व में पढ़ चुके हैं, और सिमिलीपल हम बायोस्फीयर रिजर्व में और बाकी जगह पढ़ चुके हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये चार चीज़ों के लिए हमें चार जगह याद रखनी है। भीतरकनिका, हाँ भीतरकनिका मुझे क्यों स्ट्राइक हो रहा था, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है, जैसे सबसे बड़ा हमें पता है दुनिया का है सुंदरबंस, है ना, लेकिन इंडिया के अगर टॉप 5 मैनग्रोव इकोसिस्टम की हम बात करें जहाँ मैनग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है उस तरह का एरिया है पूरा, तो भीतरकनिका भी उसमें से एक है, राइट। और कई जगहों पे आपको ये पढ़ने को भी मिल सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो इंडिया का है वो भीतरकनिका है, कई जगहों पे कोई और बताया जाता है। सो भीतरकनिका बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम्स इन इंडिया। फिर गहीरमाथा मैंने आपको बता दिया, ओनली मरीन सेंचुरी ऑफ ओडिशा, इंडिया की नहीं, ओडिशा की इंडिया में तो ऑफकोर्स, क्योंकि जैसे आप बात करोगे अंडमान निकोबार की, लक्षद्वीप की, तो वहां भी तो ओशन वाटर ही है। सो ओडिशा की ओनली मरीन सेंचुरी है और ऑलिव रिडली टर्टल्स के नेस्टिंग ग्राउंड की तरह जानी जाती है। नंदन कानन अपने वाइट टाइगर्स के लिए फेमस है, और सिमिलीपल जो है, हाँ सिमिलीपल में एक चीज़ देख लीजिए, इसका जो नाम पड़ा है वो सेमल ट्री से पड़ा है। सेमल ट्री को इंग्लिश में कहा जाता है रेड सिल्क कॉटन ट्रीज, ये उसका फ्लावर है। और मैं पहले जहाँ काम करती थी, आई रिसेंटली क्विट दैट जॉब,
वहाँ ये सेमल का यानी कि रेड सिल्क कॉटन ट्री का एक फ्लावर का एक ब्यूटीफुल ट्री था, और ये बहुत खूबसूरत पेड़ होता है, इस पर पत्तियाँ नहीं होती हैं, जब फूल खिलते हैं तो सिर्फ रेड रेड फ्लावर्स ही दिखते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्री। सो सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन पेड़ों की भरमार है और वहीं से इसको नाम मिला है, और इसको हिंदी में सेमल कहा जाता है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट यू नो। ओके चलिए फिर हम चलते हैं गोवा कर्नाटक आंध्र प्रदेश की तरफ, और साउथ में चलते हैं, और फिर लास्ट में फटाफट से हम कवर करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एक ही बार में कंप्लीट करेंगे सारा टॉपिक। सो गोवा की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कई जगहों पे है और अलग अलग नाम से, जैसे पिट्टी हमने बात की तो कहाँ थी, लक्षद्वीप में थी, वेरी गुड। अब डॉक्टर सलीम अली चोराओ बर्ड सेंचुरी, चोराओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो डॉक्टर सलीम अली, लेकिन कई बार क्या होता है, सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो पॉपुलरली गोवा कहा जाता है, पिट्टी बर्ड सेंचुरी पूछा जाए तो लक्षद्वीप कहा जाता है, जबकि ये चीज़ तो कॉमन है, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, चोराओ पूछें तो गोवा है, सिर्फ डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछें और ऑप्शन में दोनों नहीं देंगे आपको, लक्षद्वीप और गोवा दोनों कभी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, अगर सिर्फ ये नाम आता है तो ऑप्शन में देखिएगा या तो गोवा होगा या तो लक्षद्वीप होगा, दोनों में से जो भी मिले उसको बंद टिक कर दीजिएगा। फिर भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो एक तो चोराओ और एक भगवान महावीर, तो जैनीज वाला कुछ इमेज कर लीजिए कि भगवान महावीर और चोराओ दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा के अंदर। मेंटल इमेजिंग थोड़ी थोड़ी यूज़ करोगे फटाफट याद हो जाएंगी चीज़ें। अब आते हैं कर्नाटका पे, कर्नाटका कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कावेरी, चिंचोली, दारोजी, गुड़कोटे और रंगयान दुर्ग, फोर हॉर्न्ड एंटलोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए कावेरी अलग से याद करने की जरूरत नहीं, कावेरी नदी का उद्गम यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सोर्स क्या है, कर्नाटका है, बिल्कुल कर्नाटका है, तो आप कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कर्नाटका से सीधे सीधे याद रखेंगे। चिंचोली और दारोजी और गुडेकोटे और रंगयान दुर्ग, तो अब देखो रंगयान दुर्ग जो फोर हॉर्न्ड एंटीलोप के लिए है, इसके लिए देखो अब मैं कोई ट्रिक टेक्निक अलग से आई हैड नॉट थॉट, मुझे इतना पता है कि भाई दारोजी और गुडेकोटे जो है ये दोनों ही स्लॉथ बेयर की सेंचुरीज हैं, स्लॉथ बेयर यानी रीच, अभी मैं दिखाऊंगी भालू का भाई रीच। सो इनको आप याद रख सकते हैं कि बहुत पहले ना मदारी जैसे बंदर का नाच करवाते थे ना, इसी तरह से रीच का यानी स्लॉथ बेयर का नाच भी होता था, स्लॉथ बेयर यूज टू परफॉर्म, वो उससे नाटक करवाते थे, तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि जो स्लॉथ बेयर की सेंचुरीज हैं दारोजी और गुडेकोटे, इसमें स्लॉथ बेयर से नाटक न करवाया जाए इसलिए उनको कंजर्व किया जा रहा है, ऐसे कुछ आप एसोसिएट कर लीजिए। तो नाटक से आप करेंगे तो आपको ये दारोजी और गुडेकोटे दोनों याद हो जाएंगी, रंगयान दुर्ग सीधे करना पड़ेगा। और फिर हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश पे, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सो यहाँ पे आएगा एक तो कोरिंगा, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू, कृष्णा, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और पुलिकट लेक। और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इंडिया का कौन सा है, दैट इज पुलिकट लेक, पुलिकट लेक, और आंध्रा और तमिलनाडु में ये पड़ता है, ठीक है। सो अब देखिएगा कोलेरू, कोलेरू इफ़ यू रिमेम्बर पहले पढ़ चुके हैं हम, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन साउथ इंडिया है कोलेरू लेक, ठीक है, तो कोलेरू को आप फिर इससे एसोसिएट कर सकते हैं, या फिर ऐसे देख लीजिए आंधी आती है तो हर चीज़ कोयले जैसी काली काली हो जाती है, तो कोलेरू आंध्र प्रदेश से आप एसोसिएट कर सकते हैं। कृष्णा, कृष्णा का रंग भी काला काला होता है, नहीं तो कृष्णा नदी बेसिकली जो है, कृष्णा नदी को आप आंध्र प्रदेश से एसोसिएट करके कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में, वही सेम चीज़ हो जाएगी, और पुलिकट लेक मैंने आपको बता ही दिया, बस ये बचा है कोरिंगा, कोरिंगा, हाँ तो अभी हम याद कर लेंगे, आ जाइए। कोरिंगा बेसिकली इज नोन फॉर इट्स वल्चर्स, गिद्ध, गिद्ध है ना, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वल्चर आपको अंधा कोरिंगा, कोरिंगा करेगा, करेगा को स्टाइल में बोलो थोड़ा कोरिंगा, हाँ वल्चर अंधा कोरिंगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सो कोरिंगा इज नोन, या कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर इट्स वल्चर स्पीशीज एंड दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स। कौन सी दो स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं इसकी, एक है वाइट बैग्ड वल्चर और एक है लॉन्ग बिल्ड समझते हैं चोंच, ठीक है, तो ये है लॉन्ग बिल्ड वल्चर की फोटो, और ये मिलते हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि आंध्र प्रदेश में। फिर पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है,
ओके, दारोजी स्लॉथ जो मैंने आपको बोला था, दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी, ये होता है स्लॉथ बेयर रीच, ओके। और एशिया की पहली स्लॉथ बेयर सेंचुरी अगर कोई है, जो पहली ऐसी सेंचुरी जो खास तौर पे स्लॉथ बेयर के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए बनी थी, उनके फ्लरिशिंग के लिए बनी थी, वो कौन सी है? दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी। फिर हम आते हैं कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। तो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे कर्नाटका, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटका। कर्नाटका की एकमात्र ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो क्लेम करती है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही पूरे कर्नाटका में ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल्स पाई जाती हैं। ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल्स, बड़ी गिलहरियाँ हैं ये, राइट। चलिए फिर हम आ जाते हैं केरला और तमिलनाडु पे, और फिर हम बढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। तो केरला के अंदर हमें दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखनी है, एक है इडुक्की और दूसरी है पेरियार। तो पेरियार तो नदी से आप पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला याद रख लेंगे, ठीक है, पेरियार नदी। और इडुक्की आप सीधे याद रखोगे, है ना, इडुक्की। तो केरला के ब्रैकिश वाटर, सॉरी बैक वाटर्स बहुत फेमस हैं, है ना, जैसे कयाल बोलते हैं जिनको, या कायल बोलते हैं। मैं आज तक सही प्रोनंसिएशन के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, बताइएगा जो भी साउथ इंडियंस हैं, कायल बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। सो इडुक्की, तो आपने डुबकी लगाई है बैक वाटर्स में केरला के, ऐसे याद रख सकते हो। पेरियार आप याद रखेंगे। तमिलनाडु पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, ये रहा तमिलनाडु, ओके, यहाँ। सो दिस इज तमिलनाडु सदर्न मोस्ट। सो यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जल्दी से देखते हैं। कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद कन्याकुमारी, पुलिकट मैंने बताया था शेयर हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, श्रीवल्लीपुथूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अब तो सेकंड न्यू हो जाएगी, है ना, 51 नंबर का जो टाइगर रिजर्व था वो था श्रीवल्लीपुथूर टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद है वेदांथंगल जो कि सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ठीक है। सो आ जाते हैं तमिलनाडु पे, देखो कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमिलनाडु याद कराने की जरूरत नहीं, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है साउथ में। पुलिकट आपको मैंने याद कराई दिया। श्रीवल्लीपुथूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब हमने टाइगर रिजर्व किया था तो देखा था 51 नंबर का टाइगर रिजर्व जो बना था वो था श्रीवल्लीपुथूर, और उसके बाद 52 नंबर का कौन सा बन गया है, कौन सा बन गया, हम पढ़ चुके हैं जो बन गया, वेरी गुड, ठीक है। फिर वेदांथंगल मैंने आपको याद कराई दिया तमिलनाडु के अंदर, तो याद करना क्या है आपको, आपको सिर्फ कलक्कड़ याद करना है, कलक्कड़ कर लो, सीधे कर लो, कलक्कड़ बहुत अकड़ में है भैया, तमिलनाडु सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट है, है ना। चलिए अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स पे आ जाते हैं, फटाफट से याद कर लेते हैं, और ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करिए। तो अरुणाचल की हम बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे हमने टाइगर रिजर्व भी देखे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी अब हम देखेंगे। दिबांग, ईगल नेस्ट, कामलांग या कामलेंग, देन पाके या पाखुई एंड ताले, ओके। सो दिबांग, अब देखो दिबांग नदी, हमने जब ब्रह्मपुत्रा रिवर पढ़ी थी तो देखा था कि दिहांग और दिबांग रिवर्स हैं। सो दिबांग नदी से आप दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेंगे। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ईगल के लिए नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक विंग ऑफ इंडियन यू नो मिलिट्री फोर्स था ईगल, अभी मैं बताऊंगी आपको, उसके नाम पे ये नाम दिया गया था। सो इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ फ्लाइंग ईगल्स, राइट। देन कामलेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पाके पाखुई ये सब पहले पढ़ चुके हैं, एंड ताले आप देख लीजिए, तो बस ऊंची ऊंची पहाड़ियों के तले बनी हुई हैं, से ताले आप याद रख सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा ही देती हूँ, आ जाइए पोबितोरा, अभी रुक जाइएगा, ईगल नेस्ट देख लीजिए। कामेंग एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कामेंग एलिफेंट रिजर्व इज द लार्जर एरिया, और उसमें एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इट डिराइव्स इट नेम फ्रॉम रेड ईगल डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का एक डिवीजन था रेड ईगल डिवीजन, 1950s में है, यहाँ पे पोस्टेड था इस पूरे एरिया में, और उससे इंस्पायर होकर इसको ये नाम मिला है ईगल्स नेस्ट, क्योंकि रेड ईगल्स का जो पूरा डिवीजन था वो यहाँ रहता था और यहाँ से ऑपरेट करता था। अब हम आ जाते हैं असम पे। सो असम की अगर हम बात करें तो दीपोरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद दिहिंग पटकाई एंड पोबितोरा। दिहिंग पटकाई आप याद रखेंगे बिकॉज हाल ही में क्या हुआ है, ये बिल्कुल नेशनल पार्क बना है। दीपोरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखेंगे। सो आसमान बील जो है ना, आई थिंक लेक या पानी के लिए यूज़ किया जाता है असमीज़ में, आई थिंक लेक के लिए किया जाता है।
दीप और बिल, जैसे नीला आसमान का रंग होता है, नीली लेक होती है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। एंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो पॉपुलरली पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या कहा जाता है, मिनिएचर काजीरंगा। क्यों? क्योंकि जो वन हॉर्न्ड राइनोसॉर है ये सिर्फ काजीरंगा असम में पाया जाता है ना, काजीरंगा इसके लिए जाना जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और मिनिएचर काजीरंगा कहा जाता है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, क्योंकि हाईएस्ट डेंसिटी है यहाँ पे, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनोसॉर पाए जाते हैं। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम पे, एक दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लीजिए। सिक्किम में आती है बारसे रोडेंड्रोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारसे रोडेंड्रोन, रोडेंड्रोन पेड़ है ना, और उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो बारसे सिक्के बरसे, मम्मी पापा बोलते ना पैसों की बारिश नहीं हो रही ऊपर से, तो आप बोल सकते हो सिक्के बरसे, कहाँ बरसे, रोडेंड्रोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो बारसे रोडेंड्रोन सिक्किम में हो जाएगी। त्रिपुरा में आती है गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुमटी, तो आपका ट्री ऐसा थोड़ी होता है कि आज आप गए तो ट्री था, अगले दिन गए तो गुम गया, गुमट्री, ऐसे गुमटी याद रख सकते हो, गुम से ट्री जोड़ दो तो ट्री गुम नहीं होता, क्योंकि गुमटी त्रिपुरा में है। फिर मिजोरम में आती है डैम्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो डैम्पा डैम्प समझते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था डैम्प का मतलब होता है सीला हुआ, थोड़ा थोड़ा गीला, तो मोजा, मिजोरम से मोजा ले लीजिए, मोजा थोड़ा डैम्प हो जाता है पसीने से, तो डैम्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी मिजोरम के अंदर। और विद दिस गर्ल्स एंड बॉयज माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कवर कर ली है सारी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हमें लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रख सकती हैं। उससे पहले ऑफकोर्स आपको सारे बाकी कॉन्जर्वेशन से रिलेटेड याद करवा चुके हैं चीज़ें, नेशनल पार्क कर ली, टाइगर रिजर्व कर ली, बायोस्फीयर रिजर्व कर ली, ये हो चुका है। फ्यूचर में आपके लिए बिल्कुल लाने की कोशिश करेंगे एलिफेंट रिजर्व्स भी, एंड जितनी भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट दिस मैसेज, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन काइंड, बिकॉज ये नहीं तो हम नहीं, और ह्यूमन काइंड का डी नीचे आ गया, कोई बात नहीं। सो एंड इफ यू वॉन्ट द PDF parchamclasses.in से आप ले सकते हो। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और हाँ, जैसे ही ये वीडियो आ जाता है जाइएगा आप परचम ऐप पे, वहाँ पे एक शॉर्ट रिविजन टेस्ट है आपके लिए, वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा आपको चीज़ें याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। और जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।